नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवानी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बांकीपुर अंचल के पटना नगर निगम की, जहां 9 अगस्त की सुबह नगर निगम के चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों ने नगर निगम के बाहर सहयोगियों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने अपने से ऊपर बैठे अधिकारियों द्वारा उन पर किए जा रहे शोषण की पोल खोल दी। प्रोटेस्ट के बीच उन्होंने बताया कि किस कदर उनसे बैलों की तरह एक से अधिक जगहों पर काम लिया जाता है और इसके बाद भी उन्हें सामान्य काम का सामान्य वेतन नहीं दिया जाता। नगर निगम में बैठे सरकारी कर्मचारी का वेतन 40 से 50,000 है, वहीं इनको 10,000 से भी कम की राशि दी जाती है, जिनसे अभी के समय में एक छोटे परिवार का भी खर्च उठा पाना संभव नहीं है। उन लोगों ने बताया कि नगर निगम में बैठे सरकारी कर्मचारी नाजायज तरीके से भी लाखों रुपए कमाते हैं। इसके साथ ही उन लोगों ने नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि हम लोग अप्रैल से ही आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज तक बुलाकर बात करना तक जरूरी नहीं समझा। उन्हें दलितों से घृणा होती है। बाकी का क्या माजरा है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हम लोग 15 साल तक लंदर दे चुके हैं, अभी स्थाई हम लोग के नहीं हुआ। कहाँ सरकार खाली काम लेती है, जो अगर हो ली जाता है तो तुम ही काम करो, किसी का प्रधान का शादी विवाह होता है तुम ही काम करो, दीपावली है, छठ है, सब में हम लोग सफाइया करते हैं। हम लोग कोरोना काल में बहुत सा सेवा किए हैं बिहार को, हम लोग काम किए, सब अच्छा अच्छा विधायक मुख्यमंत्री घर में थे, हम लोग रोड में कचरा में मर रहे हैं, कागज में हम लोग का कोरोना नहीं होता है, हम लोग उस लायक नहीं है। सब कोई मीटिंग में अपना अपना महक जमाता है, अपना अपना गाड़ी में घूमता है, हम लोग हथगाड़ी में घूमते हैं, हम लोग चैम्बर में घुसते हैं। आप लोग की मांग क्या है? हम लोग हम लोग के साथ स्थाई किया जा और हम लोग का वेतन बढ़ाया जा, 9,000 में पोसाई नहीं है। 9,000 में क्या होगा? सही है। दैनिक सफाई मजदूरों की और आउटसोर्सिंग वाले की मांग है कि दैनिक मजदूरों को स्थायी किया जाए, जो वर्षों से कार्य कर रहे हैं, 14-15 वर्ष से कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, जिसको बार बार जो है कि सरकार के द्वारा और नगर आयुक्त के द्वारा जो है आश्वासन ही आश्वासन मिला, लेकिन इस बार हम लोग आश्वासन पर मानने वाले नहीं है। 2016 से जो है माह 2016 से जो है हम लोग का EPF कट रहा, लेकिन आज तक EPF का कोई लेखा जोखा नहीं दिया गया है कि हमारा EPF कट के कहाँ जा रहा है, किस खाते में जा रही है, ये आज तक हम लोग का कोई पारदर्शिता नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं। उसके बाद जो है 9,000 वेतन है, 9,000 में हम अपने बच्चों को जो है हर महीने का दूध भी नहीं पिला सकते हैं, तो हम अपने बच्चों को भरण पोषण कहाँ से करेंगे, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कहाँ से देंगे। यानी कि सरकार की तरफ से और निगम प्रशासन की तरफ से पूरी मोनोपोली है कि हमारा जो समाज है, दलित समाज है, अति पिछड़ा समाज जो है, उसको गुलाम बना के रखा जाए और उसको जो है कि नाली मोड़ी ही गिनता रहे। लेकिन सरकार तो खुद को हिमायती बताती कि वो दलितों के ये साथ सरकार जो है जुमलाबाजी सरकार है, जुमलाबाजी के अलावा और कुछ नहीं करती है। अभी देख लीजिए हाल फिलहाल हमारे मोदी जी गए थे सफाई मजदूरों का पैर धोने के लिए, लेकिन सफाई मजदूरों के बारे में सोचे कहाँ, एक भी मेडिकल सुविधा नहीं है। हमारे अगर बच्चे बीमार पड़ जाए, हम बीमार पड़ जाए, तो वो इलाज कहाँ कराएंगे? हिसाब से वो दिखावे के बस दिखाने की है, वो एक दलित के नाम पर सिर्फ वोट बटोर रहे हैं कि हम महादलितों को बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन दलित के बारे में कुछ सोचते नहीं है। सबसे बड़ा अगर हमारा सरकार जो है दलित विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, वो दलितों को देखने वाला कोई देखने वाले नहीं। अभी जो नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा है, हम लोग अप्रैल से आंदोलन कर रहे हैं, विज्ञापन सौंपे हुए हैं, हम लोग एक महीना विज्ञापन हो गए सौंपे हुए, लेकिन आज तक जो है बुला के बात करना नहीं चाहे, उचित नहीं समझा, क्योंकि उनको दलितों से घृणा लगती है, वो बात नहीं करती। अभी हमारे EO साहब आए थे यहाँ से, शीशा चढ़ाए हुए थे, थोड़ा सा फाट रखे हुए थे, लेकिन नीचे उतर के मतलब कि कर्मचारियों से बात भी करना उचित नहीं समझा। तो आपकी मांग क्या क्या है? हमारी मांग है कि दैनिक मजदूरों को स्थायी किया जाए, पहला मुद्दा, और समान काम का सामान्य वेतन दिया जाए,
न्यूनतम वेतन 18,000 सबको किया। और मतलब आप सामान्य काम का सामान्य वेतन आप मांग रहे हैं, तो वजह क्या है? किसी और को ज्यादा वेतन नहीं मिलता है क्या? नगर निगम में हमारे सरकारी कर्मचारी की वेतन 40,000 से 50,000 है। अच्छा, और नगर निगम में इतनी शोषण है, सफाई निरीक्षक के द्वारा, आज तक नगर निगम के नगर आयुक्त जो है इस पर जांच नहीं बैठाई। एक सफाई निरीक्षक लाखों लाख कमाता है अपने वेतन के अनुसार, वेतन छोड़कर नजायज तरीके से कमाते हैं और पूरे कर्मचारियों पर शोषण करते हैं, जो काम एक मजदूर को एरिया करके अपने एरिया में बैठना है वो नहीं, एक मजदूर को बैल बना के रख दिया गया है नगर निगम में, उससे चार चार जगह काम लिया जाता है और कुछ मजदूरों को बैठा के जो है उसका आधा खाया जाता है। तो मतलब उसके वेतन का भी शोषण हो रही है, पूरे शोषण हो रही है, जो काम कर रहे हैं ना उसी पर शोषण होती है। हम लोग बार बार नगर आयुक्त से मांग करते हैं कि इस पर जांच बैठाई जाए, CBI लगाई जाए, लेकिन कुछ नहीं आज तक नहीं। तो अब तक कोई सरकारी महकमे से कोई ऐसा आदमी आया जो आपके साथ देने की बात किया हो? नहीं, सरकारी कर्मचारी हमारे जो फील्ड वर्क के कर्मचारी है वो हमारे साथ है। वो आपके साथ है? जी, हमारे साथ सहयोग देते हैं, सहयोग दे रहे हैं। अधिकारी लोग सरकारी नहीं हमारे साथ। आपका नाम क्या हुआ? सूरज राम। चलिए, धन्यवाद। नगर निगम के चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का यह प्रदर्शन अनिश्चित काल तक चलने वाला है। आशा है कि इन कर्मचारियों के अनुसार प्रशासन जल्द से जल्द इस पर सख्त कार्रवाई करे, इनके हक का इन्हें वेतन दे और ऊपर बैठे सरकारी कर्मचारियों और घुसखोरों पर जांच बैठा है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।